नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं राजीव ढांडियाल। उत्तराखंड प्राइम में उत्तराखंड की खबरों की ओर हम बढ़े, उससे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज की। कोरोना संकट के बीच में प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। कोरोना संकट के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया है। पीएम मोदी के इस पैकेज से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी। कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मंगलवार को नैनीताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 69 हो गई है। 23 साल की एक युवती में कोरोना की पुष्टि हुई है जो गुरुग्राम से हल्द्वानी आई थी। ऐसे में अब चिंता इस बात की है कि दूसरे राज्यों से लौट रहे लोगों की वजह से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। गुरुग्राम से हल्द्वानी आई युवती से पहले भी उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में भी बाहर से आए प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में प्रवासियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कितना तैयार है और सरकार की क्या तैयारियां हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी, नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि प्रवासी उत्तराखंडी जो वापस लौट रहे हैं, अब केसेस चूंकि निकल कर आने लग गए हैं कि वो साथ साथ में कोरोना कैरियर बनकर भी आ रहे हैं, तो उत्तराखंड कितना तैयार है, उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है इसके लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड राज्य में राज्य के अंदर से इस प्रकार का कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया। जो पहले केस आए वो हमारे कुछ अधिकारी थे फॉरेस्ट के, वो विदेश गए, विदेश से आए। बाद में मरकज के कुछ लोगों के कारण, जो तबलीग लोग थे उनके कारण ये संख्या बढ़ी है। जी, ये सही है कि जब हम लोगों ने अपने प्रवासी भाइयों को लाने की योजना बनाई
तो उस योजना में हमने पहले से ही उम्मीद की थी कि कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि सरकार के माध्यम से हमने ऐसी तैयारी की है कि जो लोग आएंगे बाहर से उन लोगों का ठीक प्रकार से स्क्रीनिंग हो, ठीक प्रकार से जांच हो, जिससे कि उनका संक्रमण तत्काल पकड़ा जा सके और उस संक्रमण के कारण राज्य को कम से कम नुकसान हो। और यही कारण है कि चाहे वो उत्तरकाशी का मामला आया हो, चाहे ये नैनीताल का मामला हो, और चाहे अन्य इस प्रकार की जांच में आए हुए जो संदिग्ध मानिए या ये मानिए कि जिनको संभावना है, उन सब लोगों को हमने पहले से या तो क्वारंटीन किया है, आइसोलेट किया है या एडमिट कराया है। तो इस प्रकार से ये जो 1,75,000 से ज़्यादा लोग हमें प्रवासी के रूप में जो हमारे भाई बहन बाहर काम कर रहे हैं उनको जब हम उत्तराखंड राज्य में लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी ठीक से जांच हो और जो कोरोना के संक्रमित पाए जाएंगे या उसके लक्षण होंगे उसको हम पूरी तरीके से राज्य तैयार है इसके लिए। और हमने केवल यही तैयारी नहीं की, हमने पूरी तैयारी आगे तक की है। और हम इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि जो प्रवासी भाई बहनों को हम लेकर आएंगे उनकी जांच होने के बाद उनको ठीक प्रकार से हम व्यवस्था देंगे। अच्छी बात है, वो एक्चुअली आपकी तरफ देख भी रहे थे, निगाहें आप लोगों की तरफ थी कि आप उनको कब लेकर आएंगे, क्योंकि लगातार वो ये कहते थे कि उनको वापस जाना है। आप चूंकि वापसी का सिलसिला उनका शुरू हो गया, लेकिन मदन कौशिक जी मैं आपसे अब ये समझना चाह रहा हूँ कि जो प्रवासी लौट रहे हैं, चाहे वो बसों के माध्यम से आ रहे हों, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं या अपनी गाड़ियों के पास जो जारी किए हैं, वो गाड़ी अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, वो जैसे ही प्रदेश में एंटर कर रहा है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि डिटेक्ट हो जाए कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो डिटेक्ट हो जाए, वो पता चल जाए, तो क्या प्रक्रिया आप लोग अपना रहे हैं? इसमें हम लोगों ने 3 तरह की व्यवस्था बनाई है। जो लोग हमारे राज्य में चाहे वो ट्रेन से आ रहे, चाहे अपने वाहनों से आ रहे, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बसों के माध्यम से आ रहे हैं, जब वो राज्य में आएंगे, आने के बाद सबसे पहले उनको स्टेशन पे आएंगे या बस स्टॉप जहाँ होगा जो हमने बनाया है जहाँ पर, और या अपने वाहनों से आएंगे, उन सब की स्क्रीनिंग पहले तौर पर वो हमारी सीमा पर होगी, यानी वो ट्रेन में आएंगे तो ट्रेन में होगी, ट्रेन से बाहर निकलते हुए। फिर हमने सेंटर, बड़े बड़े सेंटर बनाए हैं, उन पर लेकर उनको जाएंगे, फिर उनकी 1-2 दिन उनको उसमें रखते हुए हम उनका ठीक प्रकार से स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक प्रकार से जाँच करेंगे। उसमें जो कोई भी ऐसा पड़ता है जो संदिग्ध प्रतीत होता है या जिस पे कुछ लक्षण नज़र आते हैं उसको वहीं रोक कर हम आइसोलेशन में भेज देते हैं या उसको हॉस्पिटल भेज देते हैं। बाकी सबको जिले के माध्यम से जिलाधिकारी से वार्ता होती है, जिलाधिकारी जब तैयारी कर लेते हैं कि 50 लोग 60 लोग 70 लोग पर डे उस ज़िले में हम भेजेंगे, वहाँ उस ज़िले में जाने के बाद उनकी स्क्रीनिंग होती है और ठीक प्रकार से जाँच होती है जी। फिर वो गाँव में जाएंगे जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ उनको क्वारंटीन किया जाएगा, फिर वहाँ पर उनकी जांच होगी और फिर वो 14 दिन क्वारंटीन रखा जाएगा। तो इस प्रकार से एक लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हमने लोगों को समझाया है कि आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने राज्य में आ गए हैं, अपने घर में आ गए हैं, अब आपको 2-3 दिन ज़्यादा भी लगते हैं तो आप सरकार का सहयोग करिए, अपना सहयोग करिए, जिससे कि कोरोना हम यहीं रोक सकें, इसको हम संक्रमित रूप से राज्य के अन्य भागों में नहीं जाने दें। और वो सब लोग इस चीज़ को मान भी रहे हैं, लोग उसका पालन करते हुए देख भी रहे हैं। मदन कौशिक जी, मेरा जो अगला सवाल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़ा राहत पैकेज का उन्होंने ऐलान किया हुआ है उससे जुड़ा हुआ है। पहले तो अभी ये क्लियर नहीं है, तो क्या राज्यों को भी पैसा दिया जाएगा इससे, जो 20 लाख करोड़ का ये पैकेज है, और उत्तराखंड को कितनी ज़रूरत है इस राहत पैकेज की? देखिए, प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड राज्य की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने 20 लाख करोड़ जो भारत की टोटल जीडीपी का लगभग 10% या उससे ज़्यादा है, आप मानिए हमारे जैसे राज्य के अगर हम बजट की कैलकुलेशन करें तो 40 साल से ज्यादा का बजट हमारे जैसे राज्य का है, हम छोटे राज्य हैं, टोटल बजट हमारा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ी घोषणा है। आपने याद होगा, आपने देखा होगा, चाहे वो जो औद्योगिक संगठनों से जुड़े हुए संस्थान हैं, चाहे वो फिक्की हो, चाहे वो CII हो, चाहे वो अन्य संगठन हो, उन सब ने किसी ने 6 लाख करोड़, किसी ने 10 लाख करोड़, किसी ने 12 लाख करोड़, इवन विपक्ष ने भी जो मांगा था, विपक्ष ने भी कहा था कि 10 लाख करोड़ की घोषणा हो जी।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इस घोषणा को 20 लाख करोड़, तो निश्चित रूप से इसका फायदा देश के हर राज्य को होगा। हमारे जैसे छोटे राज्य को, जो हम कहीं ना कहीं मन से सोच रहे थे कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था उठेगी, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे इस घोषणा के बाद हमारा राज्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे जैसे राज्य में जहां एमएसएमई के अंतर्गत लगभग 65,000 रजिस्टर्ड उद्योग हैं, अगर बिना रजिस्टर्ड वाले जोड़ दें तो 2 लाख से ज़्यादा ये संख्या है। 325 के लगभग बड़े उद्योग हैं जो 10 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से हमारा राज्य एक छोटा राज्य है लेकिन औद्योगिक राज्य है। हम सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमारे जैसे राज्य को एक संजीवनी के तौर पर मैं देख रहा हूँ, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, एमएसएमई हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, तो ये निश्चित रूप से हमारे जैसे राज्य को बहुत बड़ा फायदा इसका पहुँचेगा। जी मदन कौशिक जी, आप एबीपी गंगा के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, जैसा कि मदन कौशिक जी ने भी कहा कि 40 साल जो है लग जाएंगे तब भी इतना पैसा नहीं होगा, तो ये उनकी जीडीपी जो 10% देश की जीडीपी का जो हिस्सा भर है, अब राज्यों को मिलेगा या नहीं स्पष्ट तो नहीं अभी तक, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देना है, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान उन पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। देहरादून से अब अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक है आज, उत्तराखंड कैबिनेट की आज बैठक, सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम फैसलों पर इस कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी क्योंकि 18 तारीख को ऐलान किया जाना है कि लॉकडाउन चौथा चरण किस तरीके से आगे बढ़ेगा, राज्यों को अपने सुझाव देने हैं, तो कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है कि क्या क्या सुझाव हैं जो राज्य देना चाहता है। इसके साथ साथ राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, उसमें राज्य अपना ये भी सुझाव दे सकता है कि कितने पैसे की जरूरत इस वक्त राज्य को है। मसूरी में होम क्वारंटीन किए गए 60 साल के वृद्ध की अचानक मौत से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मृतक का सैंपल लिया गया और पुलिस ने मृतक के शव को एम्बुलेंस के जरिए देहरादून अस्पताल भेज दिया। जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम विद्या भूषण नेगी था, वो हृदय रोग से ग्रसित था और 10 साल पहले उसकी बाईपास सर्जरी भी हुई थी। हेल्थ टीम में शामिल डॉक्टर ने बताया कि एहतियात के तौर पर मृतक के शव को देहरादून के दून अस्पताल मॉर्चरी में रखा गया है और सैंपल की रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बेसिकली इनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, होम क्वारंटाइन में रखा गया था, पर इनको कोई पुरानी हिस्ट्री है जब इनकी बाईपास सर्जरी हुई थी और शायद ये डायबिटिक भी हैं। सुबह जब इनके बच्चों ने देखा होगा तो सांस नहीं थी, तो इन लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया, तो एज़ पर प्रोटोकॉल जो हमें करना है, हम लोगों ने इनकी सैंपल लिया है कोरोना के लिए क्योंकि होम क्वारंटाइन में थे, और इनकी हम बॉडी एज़ पर जो प्रोसीजर है उसको सील करके, डिसइंफेक्ट करके सील करके बॉडी रखवाई जाएगी, चाहे यहाँ पे चाहे देहरादून में। उत्तरकाशी में पहले कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आए उसके भाई और उसके 3 साथियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। बताते चलें कि कोरोना पॉजिटिव युवक अपने 3 साथियों के साथ गुजरात के सूरत से उत्तरकाशी के लिए चला था और उत्तरकाशी पहुंचने पर कोरोना पॉजिटिव युवक को आइसोलेशन में और उसके 3 साथियों को क्वारंटीन किया गया था। वहीं कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में उसका भाई भी आया था। ऋषिकेश स्थित एम्स में जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने अब राहत की सांस ली है। रिपोर्ट नेगेटिव आई है, हम उन लोगों को आइसोलेशन से क्वारंटीन फैसिलिटीज में 14 डेज के सर्वेलांस पर रख रहे हैं और साथ ही हमारा जो कंटेनमेंट जोन बने हैं डूंगी और वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमारी एक्टिव सर्वेलांस अगले 14 डेज तक जारी रहेगी ताकि इनकेस अगर कहीं पे कोई सर्ज होता है या स्पाइक दिखता है केसेज में LISRE के, तो हम उस पर नज़र रख सकें। और बाकी जितने बाहर से आने वाले माइग्रेंट्स हैं या जो भी इन्फ्लक्स आ रहा है उसमें से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस पर प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करें और किसी भी कोविड के केस को हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई करें। सर लगभग कितने लोग आ चुके होंगे सर ऐसे प्रवासी जो बाहर से आए? 2400 से 2500 के बीच में लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और आगे भी फर्दर लोगों का आना जारी है, तो हम लोगों की नज़र उन्हीं पे। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।